आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मीर के डराने धमकाने के बावजूद आबरू उससे दूर होती जाती है, क्योंकि बकौल मीर की वालदा के वो मोहब्बत भी ऐसे ही करता है जैसे नफ़रत कर रहा हो। आबरू जो कि उसकी अच्छी शख्सियत के कुछ अच्छे पहलू देकर उसे पसंद करने लगती थी, मगर फिर मीर का डराने का धमकाने का और इंसल्ट करने का रवैया आबरू को अपनी पसंद बदलने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसके ख्याल में मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत होती है। साइम बहुत ही सुलझा हुआ लड़का होता है, उसके बरक्स वलीद जो कि उसके उलट होता है। आबरू से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसकी बहनों को फंसाने की कोशिश करता है। सना तो उसके हाथ से निकल जाती है, लेकिन हया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ना सिर्फ अपने घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाती है बल्कि चोरी छुपे वलीद से निकाह भी कर लेती है। मीर को आबरू और उसके घर वालों के ख़िलाफ़ बात करने का एक और मौका मिल जाता है, क्योंकि साइम के घर वालों को आबरू वलीद और याक निकाह के बारे में बताती है, मगर वलीद तो साफ मुकर जाता है कि उसका स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है और फिर वो भाई की शादी से पहले अपनी शादी कैसे कर सकता है। अब हया को पता चलेगा वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है अपनों की बात ना मानकर। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।